सो वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके काम आपके लाभ की जानकारी है, जानेंगे एक एक करके, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात कर ले पहले खबर की, तो प्रदीप मिश्रा के बयान से जो गुस्सा था अब खत्म हुआ। ब्रजवासी बोले, राधा कृष्ण के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना मंदिर पहुंचकर राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी है। इस दौरान मंदिर में उनके साथ बदसलूकी भी की गई, धक्का मुक्की करते हुए उनके अंग वस्त्र भी खींचे गए, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। आप यहाँ पे फुटेज देख सकते हैं, लोग चिल्ला रहे थे कि नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ। शनिवार शाम पंडित मिश्रा जब मंदिर पहुंचे तो असहज दिखे, आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया है। कृष्ण के बारे में गलत बोलने वालों के साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ब्रजवासियों ने कहा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने अनुयायियों से भी कहा है कि किसी भी ब्रजवासी के लिए कोई गलत बात ना बोले। हम लोग भी ब्रजवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारी मांग थी वो अब पूरी हो गई है। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हैं, भगवान राधा कृष्ण के बारे में गलत बोलने वालों के खिलाफ ऐसा ही होगा। मतलब कि उन्होंने माफी मांग ली है, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी, और साथ ही प्रदीप मिश्रा के बयान से जो गुस्सा था अब खत्म हुआ। दोस्तों यूपी के 53 शहरों में बारिश का अलर्ट है। एटा में सड़क धस गई, कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रयागराज संत कबीर नगर में 2 लोगों की मौत हुई है। मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। लखनऊ वाराणसी समेत 53 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। एटा में बारिश इतनी तेज थी कि सड़क धस गई, उसमें एक कार फंस गई। आसपास के लोगों ने कार सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। झांसी में दोपहर 1 बजे तक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। सुबह से अब तक कासगंज में लगभग 54 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आपको तय आगे कैसा मौसम रहेगा। आने वाले 6 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, पारा 3-4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश हो रही है। देखिए सबसे ज्यादा बारिश वाले 10 शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं। कासगंज में 54 मिलीमीटर बारिश हुई है, बहराइच में 51 मिलीमीटर, बलरामपुर में 46, संबल में 37 और हापुड़ में 35 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिलहाल आपको बताते चले कि सुबह से कासगंज में ज्यादातर बारिश हो रही है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में बारिश का अलर्ट है, 35 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं, वैसे किस जिले के हैं कमेंट करिएगा। सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, मथुरा, आजमगढ़, आगरा, मऊ, बलिया, देवरिया, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बाकी 22 जिलों में येलो अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों सांसद चंद्रशेखर का कांवड़ और नमाज पर बयान आया है। उन्होंने बोला कि हिंदुओं के लिए 20 दिन रास्ते रुक सकते हैं तो 20 मिनट की नमाज के लिए क्यों नहीं रुकेगा। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, जो लोग 20 मिनट नमाज पढ़ने पर आपत्ति जता सकते हैं वो किसी धर्म के साथ नहीं हो सकते। अगर हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जाते हैं, अस्पताल भी बंद किए जाते हैं, उस पर किसी को दिक्कत नहीं होती, ऐसे में 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों होती है। ऐसा नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। तो मनोज कुमार सिंह बन गए यूपी के नए मुख्य सचिव। डिलीवरी ऑन टाइम पर करते हैं फोकस, दुर्गा शंकर मिश्र को नहीं मिला सेवा विस्तार। उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव सीएस मिल चुका है। योगी के पसंदीदा अफसर मनोज सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया है और दुर्गा शंकर मिश्र को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था और आपको बताते चले मनोज सिंह ने रविवार को मुख्य सचिव पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। तो 4 महीने बाद पीएम मोदी ने मन की बात की थी। बोले, मां के नाम पर एक पेड़ आप लोग जरूर लगाइएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है और साथ ही जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है उन लोगों को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हुल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट और पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की है। तो साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी मिल चुकी है। 2025 और 2026 में लागू हो जाएगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर नहीं बनी है बात। कक्षा 10 और 12 की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर सहमति बन गई है। समूचे सिलेबस की यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र 2025-26 से सीबीएसई में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी कर रहा है। नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। छात्रों के पास दोनों परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। छात्र चाहे तो दोनों या किसी एक परीक्षा में सुविधा अनुसार बैठ सकेंगे। तो 3 जुलाई से पहले रिचार्ज करके बचा सकते हैं 600 रुपए। जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने प्लान्स महंगे किए हैं। देखिए नई कीमतें।
दोस्तों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इसमें से जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान की नई कीमतें 3 जुलाई और वोडाफोन आइडिया की नई दरें 4 जुलाई से लागू होंगी। ऐसे में अगर आप इन तारीखों से पहले ही रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपए तक की बचत आपकी होगी। दरअसल जियो और एयरटेल का 2999 वाला प्लान बढ़कर 3599 का हो गया है। वही वोडाफोन आइडिया 2899 वाला प्लान 3499 का हो गया है। कीमत बढ़ने से पहले अगर आप 365 दिन वाला रिचार्ज करा लेते हैं तो आपका 600 रुपए बच जाएगा। ऐसी ही कीमत बढ़ने से पहले अन्य रिचार्ज में भी आपको अलग अलग अमाउंट बचा सकते हैं। आइए तीनों कंपनियों के अलग अलग प्लान में कितना आप बचा पाएंगे पैसा उसके बारे में जान लीजिए। देखिए अब यहाँ पर जियो का 209 वाला प्लान 249 का है, लेकिन अगर अभी आप अपना रिचार्ज करा लेंगे तो लगभग 50 रुपए तक की कीमत आप बचा लेंगे। तो नए प्राइस से बचना है, मौजूदा प्राइस में ही रिचार्ज करा लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपका पैसा बच जाए। चाहे तो आप एक साल का भी रिचार्ज करा सकते हैं और 600 से लेकर 800 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। बाकी आप रिचार्ज वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कितना महंगा हो गया है। वोडाफोन आइडिया का 269 वाला प्लान 299 का है, तो लगभग 30 रुपए तक आप अपना बचा लेंगे। यानी कि जितना महंगा रिचार्ज आप फटाफट पहले करा लेंगे उतना ही पैसा आपका ज्यादा बचेगा। प्राइस की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19% और सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी है। हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। दोनों समुदाय के परिवारों में यह अंतर 7 साल में 87% घटकर केवल 250 रुपए बचा है, जो 2016 में 1970 रुपए मासिक था। गैर मुनाफे वाली संस्था पीपुल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस के सर्वे में आंकड़े सामने आए हैं। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19% और सिखों का सर्वाधिक 57% बढ़ी है। यानी कि आमदनी जिनकी बढ़ रही है वो मुस्लिम और सिख हैं। हिंदुओं की आमदनी काफी ज्यादा कम हुई है। जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वहां जॉब भी सबसे ज्यादा है और एसटी में सबसे कम 15% वेतन भोगी सामने आए हैं। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, गिरफ्तारी अवैध है, बोले संजय सिंह, संसद में होगा प्रदर्शन। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई पैसा नहीं मिला और वो पूरी तरह से निर्दोष है। ईडी के लोग हाई कोर्ट में गए थे जो असंवैधानिक और गैर कानूनी है, उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों मानसून शुरू होते ही भक्तों को टेंशन होने लगी है। केदारनाथ बद्रीनाथ में 70% कम हो गए हैं दर्शन। आपको बताते चले मानसून शुरू होते ही चार धाम यात्रियों की संख्या में मई के मुकाबले 70% तक की गिरावट आई है। मई के महीने में चार धाम में रोजाना 80,000 तक तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, लेकिन अब इसकी संख्या घट गई है। सिर्फ सबको मानसून की टेंशन है, कहीं पर हिमस्खलन ना हो जाए, कहीं पर बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि यहीं पर घटना हुई थी जिस वजह से लोग अभी भी डरते हैं। तो जनपद के लाखों कार्ड धारक इस महीने राशन से वंचित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि पर राशन की पात्रता रखने वाले लोगों का सत्यापन नहीं होने की वजह से संकट गहरा गया है। जी आपको बताते चले जुलाई का महीना बेहद खास होगा और आज 1 जुलाई है और आने वाले दिनों में आपको राशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ईकेवाईसी नहीं कराई। जनपद के लाखों कार्ड धारक इस महीने राशन से वंचित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि पर राशन की पात्रता रखने वाले लोगों का सत्यापन नहीं होने की वजह से संकट गहरा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सर्वर धीमा है और दूसरी व्यस्तताओं की वजह से कार्ड धारकों और उनके परिवारों ने राशन की पात्रता रखने वाले लोगों ने सत्यापन नहीं कराया। प्रयागराज जनपद की बात कर ले तो अंत्योदय पात्र गृहस्थी को कुल लोगों को मिला ले सभी यूनिट को तो 44 लाख यूनिट है, लेकिन इसमें से 90% लोगों ने ईकेवाईसी नहीं कराई। 8 से 30 जून के बीच सभी यूनिट के कोटे की दुकानों पर ईकेवाईसी होनी थी जो अभी तक नहीं हो पाई। वही डीएसओ दिनेश प्रताप सिंह का दावा है कि ईकेवाईसी की तिथि बढ़ाई जाएगी, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि जिसने ईकेवाईसी नहीं कराया जुलाई में राशन उसको नहीं मिलेगा। रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने T20 को कहा अलविदा, फैंस को कही है ये बात। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए रोहित ने कहा यह मेरा भी आखिरी मैच था, विदा लेने का यह एकदम सही समय है। मैं हर हाल में खिताब जीतना चाहता था और इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो दोस्तों सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स के नाम पर बनेगी सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ही इसका ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी टॉप करेगा 10वीं या 12वीं में उनके नाम से गली मोहल्ले बनेंगे, उनके नाम से गली मोहल्ले जाने जाएंगे। 88 लाख अभिभावकों के खाते में उनके बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस का पैसा भी 1056 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। तो दोस्तों जमीन पर कब्जे की शिकायत पर सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। सीएम योगी ने जनता दर्शन में जमीन पर कब्जे की शिकायत पर सुनकर भड़क गए। मुख्यमंत्री ने तत्काल जिलाधिकारी को 3 दिन के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। दरअसल जमीन पर कब्जे की शिकायत उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में लाखों में है। यही कारण है कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और सख्ती से इसको निपटने के लिए कहा गया है।
तो दोस्तों यूपी में पुरानी पेंशन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर तक पेंशन विकल्प चुनने का मौका होगा, सिर्फ इनको मिल सकेगा लाभ। ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। यूपी में पुरानी पेंशन चुनने के विकल्प का मौका कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर तक रहेगा। इसका लाभ प्रदेश के कुछ कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक का दिया है। कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। इससे करीब 50,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों केदारनाथ में हिमस्खलन हुआ है, भरभरा कर ढह गया बर्फ का पहाड़। आप भी वीडियो देख सकते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में भयानक तस्वीर सामने आ रही है। यहां के गांधी सरोवर के ऊपर एक बर्फ का पहाड़ भरभरा कर ढह गया, इसका वीडियो भी सामने आया है। केदारनाथ की घटना का वीडियो डरावना है और वहां पर यात्री भी यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बर्फ का पहाड़ देखते ही देखते भरभरा कर नीचे आ गया, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तो दोस्तों यू कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।